Hello students, today we are going to start a new chapter. So what are you anyway? इस chapter के जो author हैं वो Lawrence Hill हैं. जो Lawrence Hill हैं वो एक Canadian novelist थे, ठीक है. ये story है काले और गोरों के बीच के भेदभाव की. जैसे कि हम सब जानते हैं कि 17th century से ही ये चीज़ चली आ रही थी हमेशा से कि काले लोग जो होते थे उनको गोरे लोगों के हिसाब से बहुत ही कम उसमें देखा जाता था. यानी जो गोरे लोग होते थे वो सुपीरियर होते थे और जो काले लोग होते थे वो उनके स्लेव होते थे. इस स्टोरी में कैरेक्टर कैरोल नाम की एक लड़की है जिसका कॉम्प्लेक्शन ब्लैक था. इसमें ये बताया है कि ये स्टोरी में एक कैरोल नाम की लड़की है जो अकेले ही प्लेन में एरोप्लेन में एक सफ़र कर रही है. उसमें उसके साथ दो उसके पैसेंजर और कोई रहते हैं, वो उन्हें मिलते हैं और वो उसके साथ किस तरीके से इल ट्रीट करते हैं, यानी उसके साथ बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं उसे काला देखकर. हमें इस चैप्टर में बस इतना ही देखना है. तो लेट अस स्टार्ट विद अ चैप्टर स्टार्टिंग विद अ फर्स्ट पैरा. Carol settles in seat 12A beside the window, puts her doll on a vacant seat and snaps open her purse. She holds up a mirror. She looks into her own dark eyes. She examines her handful of freckles, which are tiny spots dotting her cheeks. She checks for pimples but finds none, only the clear complexion that her father calls milk chocolate. ओके, तो इसके पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक कैरोल नाम की लड़की है जो प्लेन में जो उसकी सीट नंबर थी वो सीट थी सीट 12A और उसका जो बर्थ उसकी जो सीट थी वो जस्ट विंडो सीट की. जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं तो विंडो सीट के बाजू में बच्चे ज़्यादातर बैठना पसंद करते हैं, तो वैसे ही एरोप्लेन में भी कैरोल को जो सीट मिली थी वो 12A सीट मिली थी जो विंडो के जस्ट बाजू में थी. ठीक है, वो क्या करती है और उसके साथ एक डॉल थी, वो डॉल को वो तुरंत क्या करती है, जो हमारे बाजू वाली सीट थी उसी की जस्ट बाजू में एक सीट थी वो उसमें उसकी अपनी डॉल को रख देती है और जल्दी से अपना पर्स निकालती है और पर्स निकाल कर उसमें से एक अपना मिरर निकालती है, अपना आईना निकालती है. आईना निकाल कर वो अपनी आँखें देखने लगती है, डार्क आईज, क्योंकि शी वॉज ब्लैक इन कलर, हर कॉम्प्लेक्शन वॉज डार्क. वो क्या करती है, अपना हाथ देख अपना चेहरे में हाथ रख कर उसके जो चेहरे में ये चेक करती है कहीं उसके चेहरे में कोई झाई तो नहीं है, कोई छोटे छोटे दाग धब्बे तो नहीं हैं, उसके गाल में कुछ दाने वगैरह तो नहीं आ गए हैं, कोई पिंपल्स तो नहीं आए हैं. लेकिन उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल क्लियर थी, उसको कुछ भी झाई नहीं थी, कोई भी दाग धब्बे नहीं थे, पिंपल्स नहीं था. उसका जो सिर्फ उसका जो कलर था वो बहुत डार्क था, जिसके वजह से उसके पापा उसे क्या कह के बुलाते थे, उसके पापा उसे बुलाते थे मिल्क चॉकलेट. हमारे मम्मी पापा भी हमारा कोई ना कोई निकनेम रख ही देते हैं जिसके वजह से हमें याद रहता है कि हाँ हमारी मम्मी पापा हमें इस नाम से बुलाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट पैरा. दिस इज़ योर्स आई बिलीव. अ बिग मैन विद अ सनबर्नड फेस इज़ होल्डिंग हर डॉल अपसाइड डाउन. अच्छा, अब क्या होता है, जब वो बैठी हुई थी अचानक से उसमें एक मैन चढ़ता है, बड़ा आदमी है, यानी कि ही इज़ अ यंग मैन. उसका फेस कैसा है, सनबर्न फेस, यानी कि उसकी चेहरा थोड़ा झुलसा हुआ सा है. अब वो चढ़ते ही उसकी जो डॉल थी उसे कैसे पकड़ लेता है, उसका सर ऊपर नीचे है और उसकी जो पैर थे डॉल के वो ऊपर है, उसे उल्टा पकड़ लेता है और क्या बोलता है, मुझे लगता है ये तुम्हारी है. तो वो क्या रिप्लाई करती है, मे आई हैव अ प्लीज़ कैरोल से. कैरोल क्या कहती है, मेरी डॉल मुझे वापस दे दो. ही टर्न्स द डॉल राइट साइड अप. अ ब्लैक डॉल, आई नेवर सॉ सच अ थिंग. अब वो क्या करता है, जल्दी से उस डॉल को सीधा पकड़ लेता है और क्या बोलता है, काली कलर की गुड़िया, मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी. हर नेम्स एनी, मे आई हैव अ प्लीज. ओके, जो डॉल थी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ डॉल, डॉल का जो नाम है वो एमी है. और कैरोल क्या कहती है, उसका नाम एमी है, मेरी डॉल मुझे वापस करो. अब छोटी सी लड़की है तो सीधी सी बात है, बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चों को डॉल तो पसंद होती ही हैं, लड़कियों को डॉल, और सिमिलरली अगर लड़के होते हैं तो उन्हें कार टॉयज़ वगैरह से पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट सिक्स्थ पैरा.
हेनरी नॉर्टन क्राइज द मैंस वाइफ, गिव दैट डॉल बैक दिस इंस्टेंट। तो हेनरी जो नॉर्टन था वो कौन है, ये जो बिग मैन था, बिग मैन का नाम है हेनरी नॉर्टन, तो उसकी वाइफ क्या कहती है अपने हस्बैंड से, हेनरी नॉर्टन उसकी डॉल तुरंत वापस करो। कैरोल टक्स द डॉल क्लोज टू द विंडो, द मैन सिट्स बिसाइड कैरोल, द वुमेन टेक्स द आइसल सीट। ओके, अब जो उन लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट थी वो बताया है, कैरोल कहाँ बैठी हुई है विंडो के जस्ट बाजू वाले सीट में, तो वो अपनी डॉल लेकर जल्दी से उसे अपने पास रख लेती है, और जो मैन था वो बीच में बैठ जाता है। और वट इज आइसल सीट, जो कॉरिडोर के जस्ट, यानी कि जो कॉरिडोर के बाजू वाली सीट होती है वो, यानी कि विंडो सीट से अगर हम देखें तो सबसे पहले कैरोल बैठी है, उसके बाजू में हेनरी नॉर्टन बैठा है, और हेनरी नॉर्टन के बाजू में ही उसकी वाइफ बैठ गई है। डोंट माइंड हिम, द वुमेन सेज लीनिंग टूवर्ड्स कैरोल, बाय द वे आई एम बेटी नॉर्टन एंड ही इज माई हस्बैंड हेनरी। ओके, अब वो क्या बोलती है कैरोल से कि तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, किसके तरफ लीनिंग टूवर्ड, यानी झुकते हुए बोलना, क्योंकि बीच में अब उसका हस्बैंड बैठा हुआ है तो उसे उसके तरफ डायरेक्ट देखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो वो उसकी तरफ झुक कर बोलती है कि मेरे हस्बैंड की बातों का आप बुरा मत मानना, वैसे मैं बेटी नॉर्टन हूँ और ये मेरे हस्बैंड है हेनरी। वॉट इज़ द, अब यहाँ तक हमारे कितने कैरेक्टर हो गए, 3, फर्स्ट इज़ कैरोल, अनदर इज़ हेनरी नॉर्टन, अ थर्ड इज़ बेटी नॉर्टन। कमिंग टू पैराग्राफ 9, द मैन नेक्स्ट टू कैरोल हॉग्स द आर्मरेस्ट एंड ही कीप्स लुकिंग एट हर। वॉट डू यू मीन बाय हॉग्स, स्प्रेड हिज आर्म कम्प्लीटली ओवर आर्मरेस्ट विदाउट लीविंग एनी स्पेस फॉर कैरोल। जैसे कि हम बैठते हैं, जो सीट होती है साइड में, साइड के बाजू में हाथ रखने का एक हैंडल होता है, वो उसमें अपने दोनों हाथ इस तरीके से रख लेता है कि बिल्कुल भी कैरोल को अपने हाथ रखने की जगह नहीं मिलती है। द स्टीवर्डेस पासेस बाय चेकिंग सीट बेल्ट्स, एवरीथिंग इज ओके। द स्टीवर्डेस हुआ, स्टीवर्डेस जो होस्टेस होती हैं, जो एयर होस्टेस होती हैं, जो ट्रेन जो एरोप्लेन में होती हैं, और वो सबसे पूछती हैं कि वो क्या बोलती है आकर कैरोल से कि क्या सब कुछ ठीक है। मे आई गो टू द बाथरूम, कैरोल ने क्या पूछ, क्या कहा उससे कि मुझे बाथरूम जाना है, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ। डू यू थिंक यू कुड वेट, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। ओके, तो वो क्या कहती है कि क्या आपको लगता है कि आप थोड़ी देर वेट कर सकती हो, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो बस टेक ऑफ करने वाली है। वॉट डू यू मीन बट टेक ऑफ, कि अब हमारी जो फ़्लाइट है वो उड़ान भरने वाली है। तो उस पर बैटी जो कैरोल थी वो उस बात से एग्री करती है, उसे बोलती है ओके। अब क्या होता है, कैरोल लुक्स आउट द विंडो, सीज द टोरंटो एयरपोर्ट बिल्डिंग्स फॉल बिहाइंड द वंडर्स इफ अ पेरेंट्स वर वॉचिंग। से गुड बाय, शी इंस्ट्रक्ट्स एमी वेविंग द डॉल्स हैंड, से गुड बाय टू मॉम एंड डैड, द इंजन्स चार्ज टू लाइफ, हर सीट हम्प्स, दे टैक्सी डाउन द रनवे, शी फील्स ए हेलोनस इन अ स्टमक व्हेन दे लेफ्ट इनटू द एयर, हर इयर्स प्लग एंड स्टे दैट Why until the plane levels out over pillows of cotton, they burnt as bright as the sun. So that is what the other side of the clouds look like. अब क्या होता है, कैरोल अपने विंडो से बाहर देखने लगती है, कौन सा एयरपोर्ट है, टोरंटो एयरपोर्ट। वहाँ से वो बाहर देखते हुए क्या करती है, बस इमेजिन करती है कि शायद उसके मम्मी पापा उसे देख रहे हैं, और वो क्या कहती है अपनी एमी को, एमी मम्मी पापा को बाय बोलो, और जो उसकी डॉल थी उसका हैंड शेक करने लगती है बाहर देखकर। उतने में इंजन की जो है आवाज़ आना शुरू हो जाती है, उसकी जो सीट, जो जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो थोड़ा सा ना हमें हम्पनेस फील होता है, तो उसकी थोड़ी सी, यानी उचकती है उसकी सीट, तो उसे फील होता है कि हाँ अब कुछ चल दिया है, और जो प्लेन था वो रनवे पे चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके पेट में थोड़ी सी हेलोनेस होती है, बाय हेलोनेस जैसे कि हम झूले में बैठते हैं, झूला जब हमारा ऊपर को जाता है तब उस वक्त हमारे पेट में थोड़ी सी कुछ फीलिंग सी होती है ना, थोड़ी गुदगुदी टाइप की होती है, तो सेम वही चीज़ कैरोल के साथ भी हुई थी। अच्छा, जैसे कि हम सबने देखा है कि जब प्लेन उड़ता है, तो जब प्लेन कैसे उड़ता है, वो डायरेक्ट तो आसमान में जाता नहीं है, पहले क्या होता है वो अपने रनवे पे थोड़ा सा चलता है, चलने के बाद फिर वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ जाकर थोड़ा सा स्टॉप होकर फिर वो अपनी जो उड़ान है वो कंटिन्यू कर देता है। तो दे बन एज
ब्राइट एज द सन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. सो दैट इज़ वॉट द अदर साइड ऑफ द क्लाउड्स लुक लाइक. तो उसे क्या लग रहा है अब कि अरे जो सूरज है और जो क्लाउड्स हैं वो सब मेरे आजू बाजू में हैं. ठीक है, यानी कि अब जो प्लेन था उसका वो टेक ऑफ हो चुका है और वो क्लाउड्स में जा चुका है. ठीक है, अब वापस से लोगों की बात कंटिन्यू होती है. एक्सक्यूज़ मी द मैन इज़ टॉकिंग टू हर, यू कैन गो टू द बाथरूम नाउ, यू नो. तो वो क्या कहता है, वो मैन ग्रोन अप मैन था ना, तो वो क्या कहता है उसको, सुनो सुनो अब जो तो तुम्हें बाथरूम जाना था ना, अब तुम बाथरूम जा सकती हो. नो दैट्स ऑल राइट कैरोल सेज. कैरोल क्या कहती है, नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं. ट्रैवलिंग ऑल अलोन आर यू, तो वो क्या कहता है कि क्या तुम अकेले सफ़र कर रही हो. तो कैरोल स्वेलोज विथ डिफ़िकल्टी. स्वेलोज यानी कि हमारे जो गले में कभी कभी क्या होता है कि हम कभी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम उनके साथ बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते. तो सिमिलरली उस कैरोल भी थोड़ी सा उससे डर गई थी, या हम ये कह सकते हैं उसको थोड़ा सा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था. तो कैरोल जो थी, क्योंकि वो शुरू से ही उसके साथ थोड़ा सा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, कैरोल को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. वेयर डू यू लीव ही आस्क्ड. अब हेनरी ने क्या पूछा कि आप कहाँ रहती हो, तो उसने क्या जवाब दिया, मैं डॉन मिल्स में रहती हूँ. ओ रियली ही सेज, वेयर यू बॉर्न देयर. तो उसने कहा अच्छा क्या तुम वहीं पे तुम्हारा जन्म हुआ है. तो उसने क्या रिप्लाई क्या करती है कैरोल, हाँ मेरा जन्म वहीं हुआ है. एंड योर पेरेंट्स, माय मदर वाज बॉर्न इन शिकागो एंड माय फादर वाज बॉर्न इन टस्कन. अच्छा फिर वो क्या कहता है, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ के हैं. तो वो क्या कहती है, मेरी जो मम्मी थी, मेरी मम्मा का जन्म शिकागो में हुआ है और मेरे जो पिता का जन्म है वो टस्कन में हुआ है. एंड यू आर गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स. अब वो क्या कहता है, अच्छा और तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जा रही हो. तो वो कुछ जवाब नहीं देती, वो सिर्फ अपनी मुंडी, अपना जो सिर है वो हिला देती है. कभी कभी हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हाँ अपनी गर्दन को हिलाकर उसकी बात को एग्री कर लेते हैं. एंड योर पेरेंट्स लेट यू ट्रैवल अलोन, इट्स ओनली एन एयरप्लेन राइड एंड आई एम अ बिग गर्ल. तो वो क्या कहता है, और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें अकेले जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए परमिशन दे दी. तो वो क्या कहती है कि ये सिर्फ एक हवाई जहाज़ का ही तो सफ़र है और मैं वैसे भी एक बड़ी लड़की हूँ. यानी कि इससे क्या पता चलता है कि वो अपने आप को छोटी लड़की नहीं मानती थी, वो शी एग्रीज दैट शी इज़ अ बिग गर्ल. द मैन लोअर्स द बैक ऑफ हिज सीट चकलिंग, ही विस्पर्स टू हिज वाइफ. नो कैरोल हियर्स हर विस्पर बैक, यू आस्क हर. अच्छा अब क्या होता है, वो क्या करता है, वो अपनी सीट के पीछे की तरफ थोड़ा चला जाता है और चकलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय चकलिंग, जो मुंह दबाकर हंसते हैं ना, धीरे धीरे करके हंसते हैं हम किसी का, यानी कि समझ सकते हैं कि हाँ वो एक मजाक उड़ाना है. तो अब वो धीरे, व्हाट डू यू मीन बाय विस्पर, विस्पर यानी धीरे से बोलना. किससे बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है. नो क्या कहता है, नहीं कैरोल यर्स. और लेकिन क्या होता है, जो कैरोल थी वो उसकी ये विस्पर जो धीरे धीरे से, वो जस्ट उसके बाजू में ही बैठा हुआ था तो कैरोल को उसकी आवाज़ सुनाई देती है. और वो क्या बोलता है अपनी वाइफ से कि तुम पूछो उससे. कैरोल यॉन्स, होल्ड्स एमीज हैंड एंड गोज़ टू स्लीप. कैरोल क्या करती है, जमाई लेती है, एमी का हाथ पकड़ती है और सो जाती है, यानी कि वो अपनी आँखें बंद कर लेती है. द क्लिंकिंग ऑफ सिल्वर वेयर वेकेंस हर, बट शी हियर्स द मैन एंड वेमेन टॉकिंग अबाउट हर. अच्छा अब जब, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिंकिंग ऑफ सिल्वर वेयर. क्लिंकिंग और यानी कि जो चांदी की चमक होती है, तो वो चांदी की चमक किसको कहा है, वो जो बादल थे, जो क्लाउड्स थे, उसकी जो रोशनी उसकी आँखों में पड़ रही थी. यानी कि हम दिन में जैसे कि हम अपनी आँखें बंद करते हैं तो हमें हमारी आँखों के सामने एक उजाला सा महसूस होता है, और जब हम रात के टाइम पे लाइट चली जाती है या तो फिर हम अपनी आईज़ बंद करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सब कुछ डार्क महसूस होता है. वो सो तो जाती है, लेकिन वो जो शेडो थी, वो जो सिल्वर वेयर थी, जो क्लिंकिंग थी, वो उससे उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वो अपनी आँखें नहीं खोलती और वो उन हस्बैंड वाइफ की बातें सुनती है. लेकिन सोशी कीप्स हर आइज शट, लेकिन वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती और वो अपनी आंखें बंद की रहती है क्योंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी. आई डोंट नो हेनरी सेज द वुमेन, डोंट आस्क मी आस्क हर. अब उससे कुछ भी बात कर रहा था तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, मुझे नहीं पता हेनरी, तुम्हें जो कुछ पूछना है तुम डायरेक्ट उससे पूछो, मुझसे मत पूछो. आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस ही सेज, आरंट यू. वो क्या कहता है, मुझे बहुत